को रखा है, आपको बताने के लिए इस चीज़ के लिए रखा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे रबड़ाइज वाले पीस होते हैं तो उस पर कोटिंग नहीं सक्सेसफुल होती है। 2 महीने या 1 महीने या 10 दिन में या 15 दिन में भी उखड़ने लगते, पपड़ी बनने लगती, जैसे ये बननी। तो यहाँ पे वेलकम बैक टू अगेन अयाज ऑटो कस्टम, और अगेन आज आपके लेके आए हैं सफारी डेकोर। ओल्ड अपनी डेकोर है, आई डोंट नो कि कितना पुराना मॉडल है इसका। हम लोगों ने इंटीरियर रीस्टोर किया है, और जो उसके मेजर स्क्रैचेस थे वो थोड़ा माइनर हो गए, जो माइनर स्क्रैचेस थे वो थोड़े ख़त्म हो गए हैं। तो थोड़ा डिटेलिंग भी करी है इसके अंदर, अच्छी थोड़ा लुक देने की कोशिश करी है, देखते हैं कैसी हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे डोर की बात करेंगे, जो जिस डोर हमारा पूरा था अपना बेज कलर का था, जिसको हमने डुअल टोन में दिया है। अपना अपर वाले पार्ट को हमने दिया है कैमल कलर के अंदर, और अपना लोअर वाले पार्ट को ब्लैक में दिया है। छोटी छोटी डिटेलिंग करी है, जैसे ये हमने इसमें ब्लैक दिया है, ये आरसी लेवल के जो हैंडर हैं ये अपना ब्लैक दिया हुआ है, एसी के जो ब्लोअर होते हैं ये हमने इसको ब्लैक दिया, छोटी छोटी जो कि ताकि इन्हेंस हो जाए थोड़ी थोड़ा इंटीरियर। ये अंदर के ब्लोअर भी हमने मैट में करे हैं। पावर विंडो की जो प्लेट है इस पर हमने हाई ग्लॉस अपना वुडन फिनिश दिया है, कार्बन फिनिश टाइप का है। और अगेन मैं आपको जो डोर क्लॉथ है वो भी मैं बताऊं, तो डोर क्लॉथ हमने इसको एम्ब्रॉयडरी करवाया है, स्पेशल कस्टमर की जो डिमांड थी वो हमने एम्ब्रॉयडरी करवाया है। हमारे पास लॉट ऑफ कलर हैं, लॉट ऑफ डिज़ाइन है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो। ऐसे टाइप के हमारे पास जैसे अपना किया सल्टोस में अपना जो जीटी लाइन में आता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। अदरवाइज़ इसमें जो हमारा नॉर्मल फैब्रिक है और जो ये अपना एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। अगेन अब आपको लेके चलता हूँ मैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पर बात करेंगे, अपना लेदर टाइप का होता है मटेरियल, या पूरा हार्ड प्लास्टिक नहीं होता है, तो इस पर हमने स्पेशल वर्क किया है अपना लेदर का, जिसमें जो प्योर लेदर क्लियर हमारा जो कपड़ों पे लेदर पे कोटिंग हो के आती है वो हमने इस पर कोटिंग करे, ताकि ईजिली ना निकले, क्योंकि निकलने वाला नहीं होता। नॉर्मली कोटिंग कर देंगे तो ये रबड़ाइज पीस होता है तो ये निकल जाएगा, तो इस पर हमने लेदर वाली एक्चुअल लेदर वाली कोटिंग करी। उसके बाद फिर हमने इस पर कलर किया है, तो इसको काफ़ी सारा प्रोसेस करने में टाइम भी लग गया। इवन हमारे को 10 दिन लग गए शायद, हाँ 10 दिन लग गए हैं। और छोटी छोटी जैसे यहाँ पे ग्रिल हैं, ये हमने अपना ब्लैक में किया है, यहाँ पे भी ब्लैक में किया है, उस साइड का भी हमने ब्लैक किया है, और जो इस पर स्टॉक लग के आया था वो अपना एंड्रॉयड, तो ये अपना ब्लैक में आया था, इसको भी हमने कैमल किया है। यहाँ पे जो गैप था इसको भी हम लोगों ने थोड़ा इम्प्रूव किया है, थोड़ा यहाँ पे हमने फॉर्मिंग करके यहाँ पे अपना इस मैचिंग कलर का अपना फैब्रिक लगा के इसको थोड़े गैप को कम करने की कोशिश करी है। अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो स्टेयरिंग पे चलते हैं, तो स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग पे हमने इसमें जैसे BMW में और ऑडी की स्टेयरिंग में पेस्टिंग होके आती है, तो इस पर हमने पेस्टिंग किया है। उसके बाद साइडों में हमने परफोरेशन यूज़ किया है, और सब ऊपर में और नीचे में अपना प्लेन यूज़ किया है, और इसमें जो थ्रेड दिया है हमने कैमल कलर का थ्रेड दिया है, डायमंड कट के डिज़ाइन डाले हैं। ये स्टेयरिंग बनाने में हम कम से कम हमें 4 से 5 घंटा लग गए, और प्लस अपना ये हॉर्न पैड इसके साथ में हमने कैमल कर दिया है, ब्लैक के साथ कैमल। तो अगर अदरवाइज कस्टमर की रिक्वायर थी, मैंने तो बोला था सर कि आप कैमल ही करवा लो, बट उनकी चॉइस थी तो उन्होंने ब्लैक कराया है। अगर ये अच्छी लग रही है स्टेयरिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। हॉर्न पैड पे अपने इसका टाटा का लोगो एज इट इज़ रखा है, ताकि थोड़ा इन्हेंस हो जाए। यहाँ के मीटर का भी हमने ऐसे ब्लैक में किया है। अगेन अब चलते हैं स्पीड, इधर मीटर की बात करें तो यहाँ पे हमने दिया है अब वुडन टाइप का दिया है, तो और वुडन कार्बन फाइबर टाइप का दिया है थोड़ा नीचे, तो ये अपना पूरा यहाँ से नीचे अपना कार्बन फाइबर विद स्क्रैच असिस्टेंट कोटिंग भी इस पर करी है, इजीली स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। मैं डेमो तो क्या करके दिखाऊं। अगेन फिर यहाँ पे चलेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा गियर नॉब, हमने गियर नॉब रेडी करी है, कस्टमाइज हमारी गियर नॉब है, पूरा फुल ऑन वर्क अच्छे से किया है। नीचे अपना गियर बूट रेडी किया है, उसके बाद ये अपना सिल्वर आता था तो इसको हमने किया है कैमल कलर। अगेन यहाँ पे भी अपना वुडन आता था, इसको हमने रिस्टोर करके यहाँ पे कार्बन फाइबर टाइप का दिया हुआ है, और नीचे इधर आ दूँगे तो कंसोल पूरा अपने किया है अपना कैमल कलर विद लेदर कोटिंग के साथ। मैंने ये चीज़ को रखा है आपको बताने के लिए, इस चीज़ के लिए रखा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे रबड़ाइज वाले पीस होते हैं तो उस पर कोटिंग नहीं सक्सेसफुल होती है।
दो महीने या एक महीने या 10 दिन में या 15 दिन में भी उखड़ने लगते, पपड़ी बनने लगती, जैसे ये बननी। तो यहाँ पे हमने दिया, इस पर फैब्रिक लगा दिया और नीचे से अपना सिलाई कर दिया है ताकि इन लुक इन्हेंस हो जाए अपना। इसीलिए मैंने ये डेमो के लिए रखा, इसको बाद में मैं भी साफ़ कर दूँगा, ईजिली साफ़ हो जाएगा। इसके लिए हमने टेपिंग लगा के रखी थी ताकि मुझे पता है कि यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। अगेन फिर मैं आपको ले चलूँगा ग्लो बॉक्स के अंदर। तो ये हमने पूरा अंदर रिस्टोर किया है। अब बिफोर में आपको मैं दिखाऊँ, ये अपना विनियल हमने इस पर कोटिंग करी है क्योंकि ये कारपेट टाइप का होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था, तो इसको हमने अपना रिस्टोर किया है उसी सेम कलर के अंदर। आप फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो अपना पूरा। ये अपना यहाँ से लोअर अपना पूरा डैशबोर्ड यहाँ से कुछ इन्हेंस हो, पूरा रिस्टोर हमने किया है इसका इंटीरियर। अपना ड्राइवर साइड का जो अपना डोर था उसमें और जो कंडक्टर साइड का डोर है इसमें एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने पियानो ब्लैक किया था, उस वाले डोर पे वो वाली हैंडल नहीं होता है, तो ये अपना थोड़ा सा डिटेलिंग किया है पियानो ब्लैक के अंदर। तो ये रूफ़ हमने पूरी जो इसका कारपेट जो कारपेट ना रूफ़ का जो फैब्रिक आता है वैसे ही हमने वही वाला फैब्रिक यूज़ किया है। बस ये हमने कलर इस पर जो ब्लैक यूज़ किया है, पर अगर इस पे हम अपना PU यानी अपना लेदराइट की टॉप लगाते, रूफ़ लगाते, तो फिर लटकने के चांसेस ज़्यादा होते क्योंकि समर सीज़न भी आ रहा है और लटकने के भी ज़्यादा चांस होते। और जो ये वाला फैब्रिक होता है ये क्या होता है, रूफ़ से पकड़ के रखता है तो ये लटकने के इसके चांसेस नहीं होते हैं। हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है। सनसेट हमने रेडी किए हैं, अपना स्टिचिंग इस पे हमने सिलाई कर दी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे रेडी किया। आप देख सकते हो आप बिल्कुल अंदर से हमने इसके अंदर सिलाई मारी है। बहुत कम ही लोग स्किल वर्क जिसके पास होगा, स्किल लेबर होगी, वही ऐसा काम कर पाता होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं कि ये कर पाए। यहाँ पे रूफ़ की जो लाइटें होती है ये पूरा बेज में होता है, इसको भी हमने ब्लैक किया हुआ है, इधर भी हमने पूरा ब्लैक किया हुआ है। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जो इसके हैंडल हैं, रूफ़ के जो हैंडल होते हैं ये पूरा रबड़ाइज होता है और यहाँ पे थोड़ा हार्ड वाला है, रबड़ाइज होता है। ये नॉर्मली जैसे देख रहे हो फोल्डेड वाला है, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक से अपना लगा के अपना स्टिचिंग देके सिलाई करके अपना कर दिया। ये वाले प्लास्टिक के पार्ट होते हैं तो इसको हमने कर दिया है ब्लैक। अगेन मैं फिर बात करूँगा इस AC, जो इस पर AC वाले पीस हैं जो इंस्टॉल किए, ये पूरा हमने ब्लैक कर दिया है लेदर कोटिंग के साथ में। एक एक जो इसका ब्लोअर का पार्ट होता है वो सारा हम लोगों ने अपना ब्लैक कर दिया है। अगेन फिर हम आपको दिखाएंगे अपना सीट के जो बेल्ट होते हैं वो भी सारे हमने ब्लैक कर दिया है। अगेन आपको मैं पिलर दिखाऊंगा, सारे पिलर हम लोगों ने अपर वाले जितने पिलर हैं वो सारा हमने ब्लैक रखा है, ब्लैक थीम रखी है। तो मैं चेकआउट करवाता हूँ आपको और अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सीटों का जो हमने पैटर्न यूज़ किया है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैटर्न है क्योंकि इसमें प्रॉपर बकेटिंग वाला, अगर हम यहाँ से मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर बकेटिंग करेंगे ना तो ये हिस्सा यहाँ से टूट जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा। इसको हमने बहुत वर्क करके मेहनत करके इस डिज़ाइन को मेंटेन किया है ताकि यहाँ पे कोई भी अपना जो डायमंड टाइप का इसमें डिज़ाइन डाला है वो टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, बिल्कुल प्रॉपर सीधा आ रहा, कहीं से टूटा नहीं नज़र आएगा। साइडों में हमने पूरी फुल बकेटिंग कर दी, आप एक बकेटिंग देख सकते हो, पूरी इस साइड में बकेटिंग करी है, इस वाली साइड में करी है। और अगेन यहाँ पे पूरा हमने प्लेन रखा हुआ है, डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया है और कैमल क्रथ का थ्रेड दिया है। फिनिशिंग ओवरऑल आप मैं चेक कर सकते हो, नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है सीटों के ऊपर। अगेन फिर मैं सीटों की प्लास्टिक की बात करूँगा तो ये पूरा बेज आता है, तो ये हमने किया है कैमल कलर। इस नीचे का भी यहाँ पे भी हमने पूरा कैमल किया है। चीज़ और दिखाऊँगा आपको, जो अपना इसका फ्रेम होता है नीचे का पैनल का चैनल होता है वो भी हम लोगों ने पूरा कैमल कलर कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा बेज कलर का दिखता तो अजीब सा लगता क्योंकि पूरी गाड़ी कैमल हो रही थी तो वो अलग सा दिखता, तो वो हमने कर दिया है। और जो जितना फिर लोअर वाला जितना पार्ट है हमने कैमल कलर किया है। जो मेजर स्क्रैच है वो मेजर जो स्क्रैच है वो थोड़े माइनर स्क्रैच बचे हैं, जो माइनर स्क्रैचेस थे वो थोड़े कम हो गए हैं, मतलब वो देखने को नहीं मिलते हैं। बैक सीट भी मैं दिखाता हूँ, पूरी बैक सीट बिल्कुल रिंकल वगैरह तो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत, उतनी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रॉपर 100% इसमें कहीं रिंकल नहीं, थोड़ा बहुत शायद आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डिज़ाइन ही सीट का वैसा है। और मैं आर्मरेस्ट जो दिखाता हूँ यहाँ पर, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट। ये आप देख रहे हो ये कोई दबा नहीं है, वो ऐसा सेप है इसकी बनी हुई, यहाँ से पूरी सेप बनी। अंदर का मैं चेकआउट करवाऊँ तो अंदर आपको कहीं से रिंकल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर ये दो हिस्सों में होता है, यहाँ से ये खुलता है, जैसे ये देख रहे हो ये पूरा खुलता है,
प्रॉपर फिटिंग के साथ में काम किया है, कहीं से आपको थोड़ा भी आपको कहीं से गैप वगैरह सोने होंगे जैसे कि आपको देखने को मिला। बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है ये, स्किल वर्क जैसे स्किल लेबर जो होती है, स्किल वाले कारीगर होते हैं वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि ये सारा काम कर सकें। अब डिक्की की बात करेंगे, पूरा यहाँ पे पूरा पेस्टिंग होकर कपड़ा आता है, नॉर्मली बेज कलर का आता है, इसको हमने डुअल टोन में रखा है, इधर हमने रखा है ब्लैक, अंदर के इतने पार्ट को रखा हमने कैमल, अपना एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन है वो हमने रखा हुआ है। फिनिशिंग देख सकते हो, एक एक चीज़ देख सकते हो, छोटी छोटी इसके अंदर जो डिटेलिंग करी गई है, जैसे ये यहाँ का लीवर होता है ये मैट ब्लैक में हमने कर दिया अपना लेदर कोटिंग के साथ में, ये हैंडल भी हमने ब्लैक में कर दिया, अगेन ऊपर में आपको अपना क्या कहते हैं कैमल कलर करने को मिल गया। यहाँ पे ये चीज़ तो मेंटेन नहीं सकती है, ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे तो थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करी है। अगेन डिक्की की सीटों की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे पूरा इधर का कुछ इस तरह का लुक दिखाऊंगा आपको, देखने को मिलेगा ये पूरा डिक्की सीटें रेडी करी, यहाँ पे पूरा पीछे लोअर जितना मैंने बताया आपको लोअर पूरा अपना आपको देखने को मिलेगा कैमल। और एक चीज़ और, हमने इसमें ब्लैक कलर का कारपेट इंस्टॉल किया है क्योंकि कारपेट ज़्यादा ख़राब हो गया था तो इसको पूरा हमने ब्लैक कलर का इंस्टॉल किया है। थोड़ा बहुत गंदा देखने को मिलेगा क्योंकि 10 दिन से इस पर काम चल रहा था तो अभी ड्राई क्लीन हो जाएगी तो ऑलरेडी सारा क्लीन हो जाएगा। ओवरऑल आपको मैं लुक यहाँ से चेकआउट करवाऊँ, बिल्कुल लग्जरी फील आ रही है इसके अंदर। हाँ 90s की कार्स है, अगर 90 अगर बहुत पुरानी है, आई डोंट नो कितनी पुरानी, बट हम लोगों ने कोशिश करी है कि अपना इंटीरियर रिस्टोर हो, अच्छे से काम हो, ज़्यादा कोई वैसी दिक्कत नहीं हुई है। अदरवाइज़ अगर आप ये काम करवाने आते हो तो कम से कम 10 दिन का टाइम लेके आएं। इसी के साथ अगर हमारा वर्क या हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे अपना वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपना कहते हैं ओपिनियन दे। और अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी तो हमारा नंबर है 8447359544, आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप थोड़ा सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक कॉल करें। थैंक यू।